जय हिंद एवरीवन। सो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ फोर्स डिफेंस एकेडमी के धुरंधरों से। सो हम इनसे जानेंगे कि क्यों आखिर इन्होंने ये सोचा कि इन्हें फौज में जाना है, और फोर्स डिफेंस एकेडमी में आने के बाद इनका जो सपना था एक ऑफिसर बनने का, फौज में जाने का, वो सपना अब कैसा है, और हमारी जो है इनके सपने में क्या भूमिका रही है, और क्या इनकी प्रिपरेशन है अपने एग्जाम को लेकर के। सो बेटा क्या नाम है आपका? My name is Rahul Bist. Okay. So Rahul, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप कहाँ से हो? I belong to Uttarakhand from district Pitampura. Okay. So आप देख सकते हैं हमारी जो अकेडमी है, this is in Indore, and Rahul जो है वो उत्तराखंड से NDA की प्रिपरेशन के लिए यहाँ इंदौर में आए हैं फोर्स डिफेंस अकेडमी में। सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि आपने एक ऑफिसर बनने के बारे में कब सोचा और क्यों सोचा? बेसिकली ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, और एज अ सन ऑफ अ आर्मी पर्सन मैं चाहता था कि मैं भी अपनी फैमिली से पहला एक ऑफिसर बनूं। सो दिस इज वाज माय लाइक ड्रीम, और वी कैन से चाइल्डहुड ड्रीम। ओके, सो जैसे कि राहुल ने बताया इनका ये चाइल्डहुड ड्रीम है, बिकॉज इनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका डिफेंस से कनेक्शन रहा है। सो राहुल, फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने के बाद, बिकॉज आप उत्तराखंड से हैं, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं, और हमारा जो अकेडमी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपके इस प्रिपरेशन के दौरान? मैम, फोर्स डिफेंस अकेडमी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम कहें यहाँ का इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है हमें, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, एक कॉम्पिटिशन का लेवल पता चलता है कि कहाँ तक का कॉम्पिटिशन है, और जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, और जो जिस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए उस तरीके जो टीचर हमें बताते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, तो मैं उसमें बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। ओके, सो थैंक यू राहुल। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बस एक छोटी सी बात, मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं।